गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आज आपको कुछ बताएंगे। ये यही सेकेंड है, टांग फॉर्मेशन का तीसरा पार्ट है, क्लास 12 है, रूल्स नंबर 3। इस तरह के वाक्यों में फॉर आ के लिए दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने तो बताया था यहाँ पर टू आता है, ये टू यहाँ पर क्या था, टू, और यहाँ पर भी टू आता था। अब टू ना होने पर क्या करोगे, टू ना होने पर क्या आएगा, अब टू ना होने पर ये देखिए, ही इज टू स्लो फॉर ए रेसर। यहाँ टू आता था, अब टू नहीं है, तो यहाँ देखो टू के स्थान पर सो आ ही गया, और फॉर के स्थान पर इतना आएगा सब दैट प्लस सब्जेक्ट और प्लस कैन नॉट बी। कैसे बनेगा, ही इज सो स्लो, और इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर दैट सब्जेक्ट, जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो यहाँ रख दिया जाएगा, कैन नॉट बी आर रेसर। इस प्रकार से आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर रूल नंबर 3 से कर लेना। ओके okay?